बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिखाने के लगभग 250 से 300 घर बन चुके हैं और 20 से 30 फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे आके शिफ्ट हो चुकी है। ए से लेके ई ब्लॉक तक कम से कम 100 रजिस्ट्रीज ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। ऑलरेडी यहाँ पे मंदिर दिया हुआ है, पार्क है, दो पार्क है, एक पार्क हमने ऑलरेडी डेवलप कर दिया है, दूसरा पार्क हम डेवलप करने जा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। मैं हूँ शिल्पी और आज मैं आ गई हूँ आपको फैजाबाद रोड मेन हाईवे से लगे हुए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, यश पार्क सिटी, जिसे आप पहले भी देख चुके हैं बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे घर ऑलरेडी बन चुके हैं, लगभग 250 से 300 घर बन चुके हैं और 20 से 30 फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे आके शिफ्ट हो चुकी हैं, पोजीशन ले चुकी हैं, रहने लग गई हैं और बहुत ही कम फेज वन में बहुत ही कम घर और बचे हैं, कुछ 25 से 30 घर और बचे हैं। तो जिनको ये घर लेने हैं वो जल्दी से कांटेक्ट करें। तो चलिए, यहाँ का प्राइस वगैरह क्या है सारी चीजें जानते हैं। और आज है हर्षित जी। हर्षित जी, लोकेशन पहले समझा दीजिए। मैम लोकेशन जब हम लोग मेन फैजाबाद रोड पे, जब हम चिन्हट से हम सफेदाबाद की तरफ चलते, बाराबंकी की तरफ शालीमार पैराडाइज आता है, शालीमार पैराडाइज के जस्ट बगल में एचपी का पेट्रोल पंप है, उसी के बस बगल में ही हमारा 40 फीट का इंटरलॉकिंग रोड है। आपको 50 से 170 मीटर का टोटल डिस्टेंस है आपको मेन गेट तक आने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने पूरी सोसाइटी डेवलप कर चुके हैं। 40 फीट का आपको मेन रोड मिल जाता है जिससे हम लोग आते हैं और इंटरनल रोड ये 30 फीट की। हाँ, 30 फीट रोड, 30 फीट की आपको ये रोड मिल जाती है और आप देख सकते हैं काफी सारी फैमिलीज ऑलरेडी पोजीशन में हैं, ऑलरेडी शिफ्टेड हैं, रहने लग गई हैं और काफी लोगों ने घर ले लिया पर अभी शिफ्ट नहीं हुए। हाँ मैम, बाय ऑलमोस्ट हमने ए से लेके ई ब्लॉक तक कम से कम 100 रजिस्ट्रीज ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, बाकी फैमिलीज अब नवरात्रि में शिफ्ट हो रही हैं, काफी सारी अभी शिफ्ट होने वाली है। जी जी। तो चलिए, बाकी एरिया तो सबने देख लिया है और क्या क्या यहाँ फैसिलिटीज क्या क्या देने वाले हैं। फैसिलिटीज हमने ऑलरेडी यहाँ पे मंदिर दिया हुआ है, पार्क है, दो पार्क है, एक पार्क हमने ऑलरेडी डेवलप कर दिया है, दूसरा पार्क हम डेवलप करने जा रहे हैं और टोटल जो इसमें मकान इस समय है, एक फेज हमारा 350 मकानों का है, दूसरा फेज है 120 मकानों का, जहाँ पर सेम मकान आपको 46 लाख में मिलेगा। आपने पहली वीडियो बनाई हुई थी उसमें भी ऑलरेडी मेंशन थे कि आप सेम मकान अगर थोड़ा डिस्टेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं उसके कर लेते तो ये मकान आपको 4 लाख सस्ता पड़ सकता है। फेज टू की तरफ अगर आप लेते हैं तो आपको 4 लाख रुपए कम में मिल जाएगा। चलिए, देख सकते हैं आप काफी अच्छा एलिवेशन बाहर से किया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, कुछ कॉर्नर का भी अलग से रेट वेट है। नहीं मैम, कोई पीएलसी चार्जेस नहीं है, कोई पीएलसी चार्जेस, सब कुछ एक समान है, कोई भी पहले आया या बाद में आए सबका रेट सेम ही है। तो आपको चौड़ी रोड, पार्क, मंदिर, ये सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है, गेटेड कॉलोनी पूरी रहने वाली है। गेट इस तरफ लगेगा? ये सब गेट यहाँ पे लगेगा, वहीं पे जो कॉर्नर का प्लॉट है वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए ऑलरेडी है, जहाँ हम लोग एंट्री कर रहे थे हमने वहीं पे ऑलरेडी हमारे जानने वाले जिनसे हमने जमीन खरीदी थी उन्होंने अपनी मार्केट सेटअप कर दी है, तो आपको लोकल मार्केट भी 50 मीटर पे मिल जाएगी और हम लोग अपना जो कॉम्प्लेक्स वो भी जल्दी बनाने वाले हैं तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, डेली नीड की सारी चीजें आपको यही मिल जाएगी। और मैम, आपकी वीडियो के बाद कई लोग हमारे NRIs कस्टमर आए तो लगभग हमारी जो 200 घर हैं करंटली हमारे पास जो रेडी मूव कंडीशन में है उसमें 10 कस्टमर हमारे NRIs हैं जिन्होंने मैम की वीडियो देखकर हमसे रजिस्ट्री करवाई है और कई रजिस्ट्रीज हमारी पेंडिंग में ऑलरेडी लगी हुई है। तो NRIs कस्टमर के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग देखते हैं, पहले हाउस का टूर करा दूं नए लोगों के लिए जो देखना चाहते हैं कि घर अंदर से कैसे हैं। आइए, तो इस तरीके की आपको यहाँ पे पार्किंग मिल जाती है, बाहर भी आपको काफी स्पेशियस रोड मिल जाती है, 30 फीट की रोड आपको बाहर भी मिल जाती है, तो आप एक गाड़ी बाहर भी पार्क हो सकती है आपकी, उसके बाद भी आप देख सकते हैं जगह बची है अच्छी खासी। तो ये आपका पूरा पार्किंग हो गया एंड ये गेट आपका दोनों तरफ खुल जाता है। इसमें हैचबैक कोई भी खड़ी हो सकती है, कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करें तो वेन्यू आराम से खड़ी हो जाती है। हाँ, अच्छी स्पेशियस पार्किंग। जी, स्पेशियस पार्किंग है। एंड इस तरफ आपको इन्वर्टर के लिए इन्वर्टर की स्पेस है। ये क्या है, समरसेबल भी लगा? समरसेबल ऑलरेडी सभी घरों में इनबिल्ट मिला है, आपको इनबिल्ट है, आपका इंडिविजुअल है, समरसेबल है, बाकी वरना का पंप लगा है, आपकी पूरी गारंटी होती है इसकी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपको आगे चल के। बाकी अगर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर आप एक बाइक पार्क कर सकते हैं इसलिए, बाकी वो टू व्हीलर लगी हुई है, वहाँ से आपका आउटपुट दिया हुआ है। बाइक आपकी टू व्हीलर है तो यहाँ पार्क हो जाएगी, कार आपकी यहाँ पार्क हो जाएगी, दो एंट्री आपको मिल जाती है। जी, चलिए यहाँ से आते, डबल डोर मिल जाते हैं। हाँ, डबल डोर मिल जाता है, मॉस्किटो वाली भी आपको मिल जाएगी जाली, मॉस्किटो नेट के साथ आपको डबल डोर मिल जाता है। इस तरफ आपको विंडो मिल जाती है, काफी वाइड अच्छी विंडो मिल जाती है विद मॉस्किटो नेट के साथ, पूरे घर में फॉल सीलिंग,
नेचुरल लाइटिंग में हम लोग शूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरे घर में लाइट आ रही है, नेचुरल लाइट है ये। इस तरफ की आपको ये टेक्सचर है, ये मैम टेक्सचर पेंटिंग है। कस्टमर को जो हम सजेशन देते हैं, कस्टमर चाहता है कि हमारा हिसाब से कलर हो या टेक्सचर हो, तो हम उसको फैसिलिटी देते हैं, कस्टमर अपने हिसाब से करवा लेते हैं। मतलब वो चूज कर लेते हैं हमें ये कलर चाहिए ऐसा। जी जी जी, इस तरीके की फॉल सीलिंग मिलती है, तो काफी अच्छा, एक अच्छे स्पेस वाला आपको इस तरीके का ये हॉल मिल जाता है, लिविंग रूम आपका। एंड यहाँ आते हैं, ये डाइनिंग स्पेस आपको मिल जाता है। एंड इस तरफ ये अगेन चूज कर सकते हैं कस्टमर। यस मैम, कस्टमाइजेबल है, कस्टमर चूज करते हैं उनके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग कलर्स वगैरह हो जाएगा। फॉल सीलिंग आपको पूरे घर में मिलने वाली है, किचन से लेके डाइनिंग स्पेस की तरफ हर जगह। इस तरफ आपको ये पूरी मॉड्यूलर किचन मिल जाती है। इसमें चिमनी लगना बाकी है, चिमनी के साथ आपको सन फ्रेम की चिमनी हम लगा के देते हैं साथ में। चिमनी भी आपको लग के मिलेगी। एंड इस तरफ आपको अगेन मॉस्किटो नेट के साथ विंडो मिल जाती है, वेंटिलेशन पूरे टाइम रहने वाला है, डोर भी है इस तरफ। एंड डोर बंद कर लेंगे तो आप विंडो से बाहर देख सकते हैं, दो रूम आपको मिल जाते हैं। उससे पहले यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपका OTS है, OTS के साथ ही यहाँ पे आपको टॉयलेट मिल जाता है, जो कि कॉमन टॉयलेट रहने वाली है, इंडियन टॉयलेट आपको इस तरफ मिल जाती है। ये आपका मास्टर बेडरूम है बगल में, ये है आपका मास्टर बेडरूम, देखिए इस तरीके का मिलने वाला है। फॉल सीलिंग यहाँ भी है। एंड इस तरफ आपको विंडो मिल जाती है, जो कि आपके OTS से कनेक्टेड है। इस रूम में भी अच्छी लाइटिंग है, विद अटैच आपको टॉयलेट मिल जाती है। ये टॉयलेट आपको वेस्टर्न मिलने वाली है, काफी स्पेशियस टॉयलेट है ये भी। ये है आपका सेकंड बेडरूम, देखिए इस तरीके का आपको सेकंड बेडरूम मिलने वाला है। ये OTS से कनेक्टेड आपको डोर मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे वॉशिंग मशीन आप यूज कर सकते हैं, कनेक्टिविटी हमने दी रखी है। हाँ, वॉशिंग मशीन के लिए स्पेशली आपको ये जगह मिली है। एंड ऊपर भी इन्होंने कवर्ड कर दिया है। एंड ये जो वॉशरूम था उसके लिए यहाँ पे विंडो दे दी है। आइए, ये आपको आप पूजा रूम, हाँ पूजा रूम कर सकते हैं, चेंजिंग रूम बना सकते हैं। एक हम अलमीरा साथ में देते हैं, तो आप अलमीरा अगर चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं, वुडन अलमीरा हम आपको साथ में देते हैं ऐसे। अच्छा, वुडन अलमीरा भी दे रहे हैं, वो साथ में फ्री होती है एक तरह से, वुडन अलमीरा आपको फ्री मिल जाएगी, आप वो लगा सकते हैं, पूजा रूम बना लीजिए। बहुत लोग बेडरूम में पूजा रूम नहीं बनाते, आप अपना चेंजिंग रूम ड्रेसिंग रूम जो भी जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। चलिए छत की तरफ चलते, चलिए ऊपर की तरफ आते। इस तरफ भी आपको इस तरीके का ग्लास लगा के, टफन ग्लास लगा के विंडो मिल जाएगी। ये स्टोर एरिया एक तरह से देख सकते हैं। हाँ, काफी अच्छा खासा स्टोर हो जाएगा यहाँ पे भी, आप जो सामान डेली यूज नहीं करते उसे रख सकते हैं, जैसे चाहे यूज कर लें। और ये है बालकनी, आपकी बालकनी आपको इस तरफ मिल जाएगी। मतलब ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाते तो काफी अच्छी इतनी बालकनी मिल जाएगी, इस तरीके की बालकनी मिल जाएगी। एंड यहाँ से व्यूज देखिए, ये देखिए इस तरफ मेन फैजाबाद रोड सामने ही आपको दिख रही है, गाड़ियाँ आती जाती आपको दिख रही हैं। फैजाबाद रोड से सिर्फ 50 से 70 मीटर की दूरी पे है। फेज टू आपका किस तरफ आ रहा है? वो फेज टू सामने दिख रहा है। अच्छा, फेज टू वो सामने, सामने। कंस्ट्रक्शन फेज टू पे भी शुरू हो चुका है, वहाँ पे भी स्टार्ट कर दिया हमने, रजिस्ट्रीज हो चुकी है वहाँ पे भी, बस लाइटिंग हमें देना जब है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है तो वहां से भी एक महीना लगेगा, लोग वहां फेज टू में रह सकते हैं। तो हमारा 50 वाला मकान वहां पे 40 लाख है, जस्ट बिकॉज थोड़ा जो डिस्टेंस है मेन रोड से 300 से 350 मीटर का डिस्टेंस है, बस उसी में ही हमने 4 लाख उसको वैल्यू कम करी हुई है। हर्षित जी, जहाँ तक नजर जा रही है हर तरफ घर ही बने हुए हैं ना। एक्चुअली हमारी कंपनी इस चीज के लिए बदनाम है कि हम प्रोजेक्ट बहुत जल्दी फिनिश करके हैंड ओवर करके कस्टमर को पोजेशन दे देते हैं। हाँ, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले फिर इतने नहीं बने थे, मतलब बहुत तेजी से काम चल रहा है। यस मैम, एक्चुअली अब हमारे पास अवेलेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास लगभग 30 यूनिट है जो इस समय अवेलेबल है, उसके बाद हम लोग ये प्रोजेक्ट फिनिश कर देंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो इस समय लेना चाहते हैं मकान इस मेन हाईवे पे, क्योंकि हमारे कंपेरेटिवली किसी का भी प्रोजेक्ट किसी बिल्डर का हमारी ऐसी लोकेशन में नहीं है जो इस रेट में आपको दे रहा होगा। रेट क्या बताया था आपने, इसका रेट ही बता दीजिए। मैम इसका रेट है 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपये इसका दाम है। नेगोशिएशंस थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं अभी, और जो ऑफर ऑफ द मंथ है इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी रजिस्ट्री हमारी विद इन मंथ करवाता है और उसको हम 2% का कैशबैक करवाते हैं, आफ्टर रजिस्ट्री हम आपको 2% उनको कैशबैक वापस कर देते हैं उनका।
अगर हम लोग लोन की पार्ट करें तो हमारा ये प्रोजेक्ट LIC HFL से अप्रूव्ड है पूरा, पहले भी था और इस समय 8.45 इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो सबसे कम है अदर का जो बैंक्स हम लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो कस्टमर मेनली जब से प्रेफर करता है कि सबसे लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो LIC के लिए जाते हैं। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक से अप्रूव्ड हो गया हमारा प्रोजेक्ट, ये SDFC से हो चुका है और ICICI बैंक से भी हमारा लोन इजिली हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमारे लोन में भी। और इन केस में अगर किसी का सिविल डाउन भी है तो हमारे पास NBFCs हैं जो लोन कर रही हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा लेकिन 6 महीने के बाद आप दोबारा हमारे LIC वगैरह में आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, तो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। चलिए तो आराम से आपका 80% तक यहाँ पे लोन हो जाएगा और काफ़ी अच्छे घर बने हुए हैं, आई होप आपको भी अच्छे लगे होंगे। एंड अगर ये घर पसंद आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड कोई और घर देख रहा है फैजाबाद रोड पे अफोर्डेबल प्राइस में तो उसे ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा।